हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप सिटेट मास्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो मैं सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आज मेरी इसी क्रम में थर्ड इसकी जो लेक्चर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो है फर्स्ट मैं ले चुका हूँ। सेकंड में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें आपको मैंने ऑप्शंस के थ्रू भी आपको क्वेश्चंस को फोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, जिसमें फोर फोर ऑप्शंस को भी मैंने डिस्कस कर दिया था। आज भी मेरी जो थर्ड सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। देन हमारा जो टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर का है, तो प्लीज़ अपना ऐसे ही हमारे लिए सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिए। और हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता हो, या फिर हमारा जो पढ़ाने का या टीचिंग जो मेथड है, हम लोग की मेहनत आप लोग को अच्छी लगती हो, या फिर आप उसको वो करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक एंड सपोर्ट लाइक एंड शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर। अ पर्सन हु हैज बीन मेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो मेड टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, जो अब देश के लिए सेना में ज्वाइन होना चाहता है, जिसकी मतलब जिसको कंपलसरी है, उसको मतलब कंपलसरी ज्वाइन कराया जाता है सेना के लिए। जैसे आप देखते होंगे जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय हमारे जो सैनिक थे, हमारे देश के सिटीजन्स थे, उनको कंपलसरी इनलिस्टमेंट किया जाता था कि आप भी फोर्स में आइए, हमारे डिफेंस सर्विसेज में आइए। तो उस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो पहले हम जो थ्री ऑप्शन है उनको डिस्कस करेंगे, फिर जो इसका फोर्थ आंसर जो है उसको आपको पता चली जाएगा। तो फर्स्ट देखेंगे एपिलेशन। एपिलेशन मीन्स होता है, आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो बच्चे होते हैं, या फिर उसका बचपन में निक नेम रख दिया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं एपिलेशन। तो आप लिखिए इसके आगे निक नेम, क्योंकि आप लोग जो भी देखते हैं कि हम लोग का जो स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम दूसरा होता है, लेकिन हमको घर में दूसरा नाम से बुलाया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं निक नेम। तो एपिलेशन मीन्स निक नेम। कॉग्नोमेंस मीन होता है जो आपका सरनेम होता है, जो जैसे आप नाम लिखते हैं तो उसके बाद अपने लास्ट में अपने नाम के आप सरनेम लगाते हैं, तो कॉग्नोमेंस मीन्स सरनेम। ठीक है, डी ऑप्शन है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलीजियस पर्सन, धार्मिक लोगों का जो समूह है, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। ठीक है, और इसका आंसर होगा कॉन्स्क्रिप्ट, यानी कि अनिवार्य भर्ती। अ पर्सन हु हैज बीन मेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कंट्री, तो अनिवार्य भर्ती जो हम लोगों सिटीजन्स की जाती थी आर्म्ड फोर्सेस में, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्ट। तो आप इसके आगे लिख लीजिए, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ अ मिलिट्री सर्विस। ओके फ्रेंड्स, तो कंपलसरी इनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्ट, यानी कि अनिवार्य भर्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेस वेयर समथिंग इज केप्ट सेफली, ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी वस्तु को हम सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्मरी, सेकंड है आर्काइव्स, सी है रिपोजिटरी, एंड डी ऑप्शन है आपका आर्सेनल। तो ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्मरी, वहाँ वो होता है जहाँ पर हथियार रखा जाता है, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, जहाँ पर आपके हथियार रखा जाता है उसको हम बोलते हैं आर्मरी। A place where arms are kept.
ओके फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका आर्काइव्स। वो होते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम सुरक्षित तरीके से रखते हैं। तो आ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं ऐतिहासिक, उनको हम सुरक्षित तरीके से रखते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप प्लेस। वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको हम सुरक्षित तरीके से रखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्काइव्स। डी ऑप्शन है आपका आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल वो होता है जहाँ पर आपके हथियार रखे जाते हैं या फिर जो भी आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम सुरक्षित तरीके से रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्सेनल। तो लिखेंगे अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर केप्ट। A place where weapons and military equipments are kept. That is called arsenal. And C ऑप्शन है आपका रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी किसका आंसर होगा? अ प्लेस वेयर समथिंग इज केप्ट सेफली, ऐसा स्थान जहाँ पर हम किसी वस्तु को सुरक्षित तरीके से रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से एलेबोरेट करके जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर देन हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, अ स्पीच जिसको प्रिपेयर की जाती है किसी एक व्यक्ति द्वारा, तो वो दैट इज कॉल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सोलिलोक्वी, सेकेंड है मोनोलॉग, थर्ड ऑप्शन है प्रोलॉग एंड डी ऑप्शन है एपिलॉग। तो हम इसमें से तीन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आंसर होगा इसका। तो फर्स्ट सोलिलोक्वी वो होता है वह व्यक्ति जो दो लोगों की स्पीच का यानी दो लोगों के संवाद को बोलता है, तो अ पर्सन हु डिलीवर्स द स्पीच ऑफ टू पर्सन दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर वन हु डिलीवर्स the speech of two person okay friends next है मोनोलॉग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है प्रोलॉग। प्रोलॉग वो होता है जो फिल्म या प्ले उससे पहले जो स्पीच या संवाद होता है उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द इंट्रोडक्शन यानी फिर या जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है ऑफ अ फिल्म और प्ले, द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ The introductory speech of film
और प्ले। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी मतलब कि जो भी उसकी प्रस्तावना होती है या फिर जो फिल्म के स्टार्ट होने से पहले जो संवाद बोले जाते हैं या फिर जो भी इंट्रोडक्टरी उसके स्पीच दी जाती है या फिल्म हो या फिर नाटक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। फिर थर्ड ऑप्शन है एपिलॉग, इसको बोलते हैं द जो आपकी लास्ट में स्पीच होती है, संवाद होता है फिल्म के एंड में। ठीक है, तो देखेंगे द स्पीच दैट एडेड टू द एंड ऑफ फिल्म और प्ले, किसी भी फिल्म या प्ले नाटक के जो उपसंहार जिसे बोलते हैं लास्ट में जो स्पीच डिलीवर की जाती है दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। यहाँ पर लिखेंगे द स्पीच दैट इज एडेड टू एंड ऑफ प्ले और फिल्म। ठीक है, द स्पीच दैट इज एडेड टू एंड ऑफ प्ले और फिल्म, किसी भी फिल्म या नाटक के जो लास्ट में होती है भूमिका जो मतलब कि जो आपको एंड करती है फिल्म को दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। तो आपको आंसर कंफर्म हो गया होगा, तो इसका आंसर या ऑप्शन क्या होगा, मोनोलॉग। ठीक है, तो हमारा एट्थ क्वेश्चन है फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग, वह व्यक्ति जिसको नहाने से या फिर कपड़े धुलने में वॉश करने में डर लगता हो तो उसके ऑप्शंस क्या क्या है दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्लूटोफोबिया, सेकंड है एकेरोफोबिया, सी ऑप्शन है एक्रोफोबिया एंड डी ऑप्शन है एरोफोबिया। तो हम पहले थ्री ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखेंगे बी ऑप्शन एकेरोफोबिया होता है फियर ऑफ ईचिंग, जिसको खुजली से डर लगता है। ठीक है, यानी फियर ऑफ इचिंग एंड सी ऑप्शन है एक्रोफोबिया, जिसको हाइट से या फिर ऊंचाई जो हाई प्लेसेस होते हैं ऊंचाई से डर लगता है, तो लिखेंगे फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट एंड डी ऑप्शन है एरोफोबिया, एरो मीन्स होता है एयर, यानी कि जिसको हवा में डर लगे या फिर एरोप्लेन से जब वो ट्रैवल करता है तो उसको फ्लाई यानी फ्लाइंग में उड़ने से डर लगता है, तो लिखेंगे फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एरो है ये सेंस दे रहा है एयर का, तो आपको क्या हो गया फियर ऑफ फ्लाइंग। यहाँ पर दे रहा है एक्रो, एक्रो मीन्स होता है हाइट या फिर जो ऊंचे स्थान होते हैं हाई प्लेसेस होते हैं, तो वो सेंस दे रहा है आपको फियर ऑफ हाइट। एकेरोफोबिया, एकेरो सेंस दे रहा है आपका ईचिंग या फिर खुजली, तो होता है फियर ऑफ एचिंग। ये भी जो फोबिया है, फोबिया मीन्स होता है फियर, तो आप यहाँ पर कोरिलेट करके आप यहाँ पर स्टडी कीजिए तो आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपका आंसर है एब्लूटोफोबिया, तो फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग आंसर इज एब्लूटोफोबिया। ठीक है, तो आपको आई होप दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने अच्छे से इनको लेबोरेट करके सारे ऑप्शंस को डिस्कस भी किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ओके
ओके फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन कर लिया होगा और उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। आपको नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं जैसे मैं आपको ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपने कॉपी पे उसी मैनेज वे में आपको भी नोट डाउन करना है। फिर 9th क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म, ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह से भरा होता है, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे हम? फर्स्ट है एक्सट्रोवर्ट, बी ऑप्शन है फेनेटिक, सी ऑप्शन है फास्टिडियस एंड डी ऑप्शन है इंट्रोवर्ट। तो फर्स्ट हम आपको पहले 3 ऑप्शन से डिस्कस करेंगे, फिर आपको श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्तित्व होता है जो दूसरों से बात करने में अधिक रुचि लेता है, वो बहिर्मुखी होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे अ पर्सन हु एंजॉयस टॉक विद अदर पीपल, ठीक है। तो हम नोट डाउन करते चलिए। A person who enjoys, ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों से बात करने में रुचि होती है, talk with other people, okay friends, B option है fanatic और सी ऑप्शन है फास्टिडियस। फास्टिडियस वह पर्सन होता है जिसको मनाने में बहुत कठिन मतलब समय लगता है, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे मनाना बहुत कठिन होता है। तो लिखेंगे पर्सन difficult to please, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना या खुश करना बहुत ही कठिन होता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, hard to please, that is fastidious। फिर होता है introvert। introvert वो होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, अंतर्मुखी होता है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, अपने विचारों या thoughts को शेयर नहीं करता है। तो लिखेंगे introvert में a quiet साई पर्सन, ठीक है, हु प्रेफेयर्स टू बी एलोन देन अदर्स, अदर मतलब कि अन्य लोगों की अपेक्षा में उसको अकेले रहना वो अधिक प्रेफर करता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आप अ क्वाइट साई पर्सन, जो शर्मीला होता है, शांत व्यक्ति होता है। कॉमा शाय पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अलोन फ्रेंड्स 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा इसमें इंक डालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने इंक डाल ली है। अ क्वाइट साई पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अलोन देन अदर्स, ठीक है। वह शांत व्यक्ति जिसको अकेला रहना पसंद होता है कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया हो क्या होगा, फेनेटिक, अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म, वह व्यक्ति जो अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ होता है, जोश से भरा हुआ होता है, उसे दैट इज कॉल्ड फेनेटिक, ठीक है। मैंने इंट्रोवर्ट भी डिस्कस कर दिया, फास्टिडियस डिस्कस कर दिया, एक्सट्रोवर्ट भी डिस्कस कर दिया। 10th क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल साइंटिफिक आर्टिस्टिक और कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, ठीक है।
ऐसी बिल्डिंग इमारत जहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखे होते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऐतिहासिक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आर्टिस्टिक यानी कि कला से रिलेटेड जो भी हमारे पुराने हैं ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं कल्चरल से हमारी जो संस्कृति है उससे उसके थीम के आधारित जो वस्तुएं होती हैं इंटरेस्ट और स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड उनको एग्जिबिशन के तौर पे लगाया जाता है। तो एटिक म्यूजियम गैलरी एंड कॉरिडोर। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे एटिक। एटिक मीन्स होता है ताड़। आप देखते होंगे कि अपने रूम में एक अलग से आप एक बाउंड्री के उस रूम में अलग से बना देते हैं जहाँ पर आप यूजलेस जो आपकी थिंग्स होती हैं उनको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको बोलते हैं ताड़। बोलते हैं जहाँ पर आप जो आपकी यूजलेस थिंग्स होती हैं उनको आप वहाँ पर फेंक देते हैं तो उसको हम एटिक बोलते हैं। सेकेंड है म्यूजियम। थर्ड है गैलरी। गैलरी क्या होता है देखते होंगे कि जहाँ पर प्रदर्शनी जो रखने का स्थान होता है वह देखते होंगे कि आपके कॉलेज में है या फिर स्कूल फंक्शन में प्रदर्शनी लगाई जाती है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं गैलरी। प्रदर्शनी रखने का स्थान ठीक है। आप देखते होंगे कि आपके कॉलेज में जब भी एग्जाम्स होते हैं उसके बाद जो अच्छी नोटबुक्स होती हैं उनकी गैलरी लगती है यानी कि प्रदर्शनी लगती है तो प्रदर्शनी जो रखने का स्थान होता है उसे गैलरी बोलते हैं। कॉरिडोर क्या होता है। कॉरिडोर तो होता है देखते होंगे आप अपने फ्लैट में देखते होंगे कि एक गलियारा होता है या फिर बाहर साइड बरामदा होता है तो उसे ही हम गैलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बरामदा। या फिर आप बोल लिख सकते हैं इसको ठीक है बरामदा या गलियारा जो भी आपके फ्लैट्स में देखते होंगे कि जगह होती निकलने के लिए या फिर आउटर साइड में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉरिडोर। मैंने गैलरी भी डिस्कस कर दिया आपसे। प्रदर्शनी रखने का स्थान एटिक होता है जहाँ पर आप यूजलेस जो सामान होती है थिंग्स होती है उनको फेंक देते हैं तो उसे हम ताड़ बोलते हैं। तो आंसर आपको कंफर्म हो गया होगा कि आंसर होगा म्यूजियम। ओके तो आई होप मैंने आपसे आज टोटल मेरे 10 क्वेश्चंस मैंने आपसे क्लियर कर लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या तो वन वर्ड रिलेटेड होगी वोकैब की या फिर नेक्स्ट क्लास में एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे यूपीटेट सीटेट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूपीटेट प्लस सी एस सी एच एस एल में तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर से आप सब हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और मैक्सिमम हमारे चैनल को लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।